तो दोस्तों ये अभी हम कर रहे हैं रात का डिनर, आलू के गुटके सुबह के बने थे और बनाया था मैंने फ्राइड राइस, तो दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं। अब बिंता अपनी सेम पोजीशन में, अंधेरा हो गया, रात के हो चुके 8:30। दो दिन से मुझे नहीं देखी है और सुबह हर जगह देखो ढोल बजाने लग जाता है। तो दोस्तों अभी मैं सो रहा हूँ मंदिर वाले कमरे में, कल भी मैं यहीं सोया था, तो आज मैं सबसे पहले सो रहा हूँ। देखो अब कोई नहीं सो रहा, कुछ लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बिस्तर लगा दिया मैंने और यहाँ पे मैं लेट चुका हूँ सोने की मुद्रा में। और अभी टाइम हो रहा है 9:05 हो रहा होगा, तो बस 5-10 मिनट में सो जाऊँगा और आपसे कल सुबह करते हैं मुलाकात। बल्ब आजकल बहुत, मतलब बहुत कम क्या, मतलब ना के बराबर रहते हैं किसी के घर में बल्ब, आजकल LED और इसी का ही जमाना है, पहले बल्ब चलते थे। The next day. गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, तो अब मैं उठ गया हूँ, तो रात में मैं तुरंत फिर उसका मैंने डिनर किया, उसका सो गया था क्योंकि दिन भर थोड़ा थकान भी हो गई थी। तो आज जाना भी आगे की तरफ, हम बेरीनाथ की तरफ अपने गांव की तरफ जाएंगे, तो आज हम आपको दोबारा अपना गांव दिखाएंगे। तो अभी मैं उठ गया हूँ, अभी नहा लेता हूँ, मैं यही कपड़े पहन लूँगा क्योंकि मेरे कपड़े गाड़ी में ही है, मैं कुछ कपड़े लेके नहीं आया क्योंकि ऊपर नीचे कौन लेके आए, तो अभी यही नहा के ये पहन लेंगे और फिर गाड़ी में जाके चेंज कर लेंगे। और सुबह तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, दूध पी लेंगे, जिसको चाय पीनी होगी चाय पिएगा और बाकी मैं मैगी बना लूँगा और जल्दी से नहाते हैं, रेडी होते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये मैं नहा लेता हूँ फिर आपसे, क्योंकि सामान वामान भी समेटना है। ये देखिए मेरे कपड़े वपड़े भी कुछ ऐसे बाहर हैं, फिर बैग वैग भी टाने हैं क्योंकि लाइट भी अप डाउन कर रही है, लाइट चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वो मोबाइल वोबाइल भी सब चार्ज कर लेते हैं और फिर रेडियो के बाहर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों सुबह बन रही है ब्रेकफास्ट और ये बन रही है मैगी, मैं मैगी बना रहा हूँ और अभी बन रही है सिंपल जो बच्चे खाएंगे और मैं उसके बाद अपने लिए टमाटर वमाटर डालूँगा। तो दोस्तों अब मैं बना रहा हूँ अपने लिए टमाटर वाली मैगी, मतलब वेजिटेबल वाली, नवरात्रि तो प्याज अभी डालेंगे नहीं, लेकिन मसाले भून दिए मैंने टमाटर में, थोड़े मसाले डाल दिए मैंने, डालूंगा क्या खीरा इसी में, इसमें काटेगी। तो दोस्तों मैगी भी डाल दी है, ये देखिए बढ़िया से स्टोव में बन रही है, स्टोव की कल बत्ती भी लाए थे तो अभी सही चल रहा है, वरना कल सुबह तो आपने देखा ही था कैसे हालत हो रखी थी इसकी। देखिए गैस, मतलब ये जल तो खुल गई लेकिन तब भी थोड़ा समय लगाता है पकने में, तो उसके बाद इसको खाएंगे नीचे निकाल के। दोस्तों मैगी बन चुकी है, ये मेरी सूखी टमाटर वाली मैगी और साथ में खीरा खा रहा हूँ, या सीबी भी खा रहे, सीबी क्या खा रही, मैगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जा रहे हैं, सब पैकिंग हो गई है, नहा भी लिया है, नाश्ता भी हो गया है, आ जा नीचे, अपने वो प्लेट खा लिया मैगी खा ली, लेके आ फिर नीचे प्लेट जल्दी खा, फिर जा रहे हैं सब लोग। तो और यहाँ पे सब बर्तन धुल रहे हैं, और यहाँ पे बर्तन भी धो दिए, चमका के रख दिए यहाँ पे, और बस थोड़ी देर में सूख जाएंगे, इसको अंदर रख देंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। क्या कर रही है तो चिन्ना, पूरे काले काले लग गए। चल। और दोस्तों ये भकार, एक संदूक जिसमें गद्दे रजाई और तकिया वकिया सब रखी जाती है, तो ये देखिए पहले ऐसे बनते थे लकड़ी के, टूनी के ज़्यादातर बनते थे क्योंकि उसमें दीमक नहीं लगता था। हाँ ऊपर लेके आना है। और ये अमरूद ले लिए, रास्ते में खाएंगे, कुछ बच जाएंगे तो घर में खा लेंगे। अभी दोस्तों काम करते हुए इनका भी वीडियो बना देता हूँ वरना डैनी जाएंगे। 10% बर्तन इन्होंने भी धोए, एक मिस्टी और दो लोटे धो गए, बर्तन धोने वाला चमका दिया, बहुत बढ़िया। ये भी धो देना लोटे ना, फिर उसके ये भी मिलेगा आपको, ये मलाई में खाता हूँ। मलाई तू तो खाता नहीं है, खाती तो। दोस्तों अब इधर की तरफ जा रहा हूँ मैं, थोड़े और अमरूद तोड़ लेते हैं कच्चे कच्चे, रास्ते में खाने के काम आएंगे।
अभी दो ही तोड़े और तोड़ लेते हैं और फिर। तो दोस्तों मैं और चिन्ना अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं रोड में गाड़ी के पास, क्योंकि अब आप भी निकल रहे हैं, हम तो सामान वामान लेके हम जा रहे हैं, बाकी लोग क्लोज करके आ रहे हैं। तो रास्ते में शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि हाथ में सामान बहुत होगा। अभी मैंने एक पकड़ा है बैग और अभी मुझे ये अमरूद का कट्टा भी पकड़ना है, ठीक है। तो एक बैग ये भी पकड़ लेता हूँ और एक बैग होगा ये रास्ते के लिए, अपने हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे तो घर ले जाएंगे। ए चिन्ना एक और बैग ले ले, कुछ है तो छोटा है ना, गीले कपड़े वाला ले ले, गीले कपड़े वाला, हाँ वो ले ले, चलो। तो दोस्तों पहुँच गए रोड एंड में और कमर पटा गई है, फुर्गी क्या नस्त्री बन जाए, चिन्ना की भी हालत खराब, और मैं इतना सामान लेके आया। और अभी दो तीन मिनट सुस्ता लेते हैं, और अच्छा मैंने कपड़े लेके नहीं गया था, नीचे देखियो हालत कितनी, वो कल बारिश हुई थी और रात में पाला भी गिरा था, उससे देखो हालत कपड़े पूरे ख़राब हो गए। और अब मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ फटाफट और फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और फिर आपको जल्दी से मिलते हैं। और यहाँ पे हालत देखिए, यहाँ भी पाला गिर के, एक ककड़ी का कट्टा निकाला और इसमें देख लीजिए एक ककड़ी फट गई अंदर, क्योंकि मैंने आगे रखा था तो ये लोग बैठे थे, हो सकता है इनके पैर से फट गई हो, ये यहाँ रखते थे अभी। और आगे पूरा पानी पानी हो गया था, ये अभी मैंने पूरा साफ़ किया इसको। और अभी इसको सुखाने डाला है थोड़ा, और ककड़ियों को इससे थोड़ा साफ़ कर लूँगा, फिर इसको कहीं ना कहीं वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ड्रेस भी मैंने चेंज कर ली है और देखिए सामान भी बढ़िया करके सेट कर दिया है। और देखिए एक तरफ मैंने पूरा अपना रख दिया है साइड पे करके, इन लोगों का भी है थोड़ा सामान। और देखिए यहाँ पे जो कट्टा था पूरा साफ करके कुछ कुछ चीज़ें नीचे डाल दी, यहाँ अमरूद रख दिए अपने खाने के लिए। और अभी वो लोग आ रहे हैं, इसमें था ये ख़राब और ये भी गंदा हो गया, साफ़ करने सोच रहा हूँ इसको यहीं छोड़ दूँ। तो दोस्तों वो है गंगोलियार शहर अपना, वहाँ से इधर को पाली का गांव साफ दिखता है। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, हाँ वो सामने है, वहाँ से दिखता है इधर का, वही है कि रोड थोड़ी बहुत घुमावदार है ना, तो आने में समय लग जाता है। तो अभी तक वो आई नहीं, मैंने गाड़ी साफ भी कर ली है और यहाँ बीच में लगा दी, जिससे धूप से जो शीशा में ओस ओस जमी थी सब साफ हो गई है। तो अब वो जैसे ही आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आ गई है जी। तो दोस्तों 9:05 हो गए सुबह के और हम निकल चुके हैं, और अभी रास्ते में ही पाली से जो पाली का जो मोड़ आता है, जहाँ पे पाली और चौपाता के लिए रोड फटती है, तो वहाँ से थोड़ा पहले एक मंदिर है, गोलजू देवता का मंदिर है, तो यहीं के पाली वाले गांव वालों का है, तो यहाँ भी ये लोग दर्शन कर रहे हैं। और पाला तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरा है, तो इस वजह से कितना भी बचूंगा मुझे लग रहा है पैंट वेंट मेरी ख़राब हो ही जाएगी। तो चलो कोई नहीं, गाड़ी में आज अच्छी धूप है तो दिन तक सूख जाएगा, तो चलिए ऊपर चलते हैं। और एक रूट वो भी है, और उस रूट में फिसलन बहुत ज़्यादा है, स्लिपरी है। और पहुंच चुके हैं मंदिर में, और ये गोलजू देवता ऊपर बने घोड़े में सवार। और ये देखिए चीड़ के पेड़, और पहाड़ों में चीड़ को पेट्रोल माना जाता है, क्योंकि इसके इसी की लकड़ी के शूल बनाए जाते हैं जो जलने में काफ़ी मददगार होते हैं। है देखना सूखे ही, सब गीले ही होंगे वरना जलाने के काम आए। देखिए सोलर लाइट यहाँ भी लगी है, वो देखिए ऊंचा पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, कुछ कुछ ये देखिए यहाँ पे भी है। पंडित जी नमस्कार, जूते चप्पल यहीं खोल देना, और ये है मंदिर। और यहाँ पे शायद भंडारा वंडारा का कुछ भोजन बनना होता है तो यहाँ पे बनता होगा, क्योंकि ये बना रखा है, अंदर बर्तन वर्तन भी है। और ये देखिए यहाँ पे भी आग वाग जलती होगी, यहाँ पे कुछ है, बाकी यहाँ पे है किचन।
दोस्तों अभी तक मैंने पहाड़ों में आपको जितनी भी चीड़ के पेड़ दिखाऊंगे ना, सब बड़े दिखाए, किसी के फल दिखाए या कोई विशाल का पेड़ दिखाए, लेकिन कोई भी आपको छोटा पेड़ मैंने नहीं दिखाया। मैं आपको छोटा पेड़ दिखाता हूँ चीड़ का। देखिए इसमें झाड़ भी इसलिए लगा रखा है कि ये पेड़ टूटे ना। ये देखिए, थोड़ा और पास ले जाता हूँ। ये देखिए हल्के हल्के इसके पत्ते, देखिए कितना छोटा पेड़ है। तो ये पेड़ की हाइट इतनी है, तो ये इतनी हाइट होगी, 3-4 फुट का पेड़ होगा। देखिए ये पेड़ है और इधर इसके पत्ते हैं, और इस साइड भी पता नहीं कोई पेड़ होगा, अभी तो कोई दिख नहीं रहा। इस साइड भी शायद चीड़ का ही पेड़ था, तो हो सकता है वो उखड़ गया होगा। चलो तो दोस्तों अब यहाँ पे इन लोगों की पूजा हो चुकी है, अब हम नीचे निकल रहे हैं और नीचे जाएंगे और फिर सीधा गंगोली घाट, और फिर वहाँ से रायागर होते हुए जाएंगे बेरीनाग, और फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे 12 किलोमीटर है हमारा गांव गडेरा, और वहाँ पहुँच जाएंगे। और मौसम मैंने आपको सुबह भी बता दिया था, अच्छी अच्छी धूप खिली है, बादल बिल्कुल भी नहीं रखे, और हल्के हल्के जाना है बच्चों। और इसका मुझे ऐसे लग रहा है, ये इसको आराम से ले जाना, ये गिरेगा तेरे को भी गिराएगा फिर। चलना नहीं आता, क्यों नहीं आता? ये देख नहीं आता, मेरे को दे दे इसका हाथ पकड़, रुक जा इधर आ, दूं तेरा हाथ गिर जाएगा अगर मैं हाथ छोड़ दूंगा, क्या होगा? ऐसे कैसे गिरता जाए, दीदी गिरती हम तो गिरता पापा तो से फिर मैं गिर गया। हाँ चलो चल, चल। तो वापसी कर रहे हैं, और देखिए झरने का रास्ता, ऐसे झरने बहुत देखने को मिलेंगे रास्ते भर में, और इससे भी ज़्यादा रोड भी ख़राब मिलेगी आगे। अभी तो शुरुआत है, ये देखिए